चंडीगढ़ का सबसे मशहूर एरिया जो कि हमारा सेक्टर 17 है। और ऐसे तो चंडीगढ़ के और भी सेक्टर काफी मशहूर है, बट सेक्टर 17 कुछ अलग ही है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अलग अलग क्रिएटिविटीज दिखाई जाती है इस एरिया के अंदर, सेक्टर 17 के अंदर, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हो नीचे से है सबवे है जो कि रोज़ गार्डन के लिए जाता है, और यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल जाएगी, वो मैं आपको आगे दिखाऊँगा। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दीवार पर लिखा भी हुआ है जो कि आपको इजिली दिख पा रहेगा, रोज़ गार्डन लिखा हुआ है। तो रोज़ गार्डन जाने के लिए यहाँ से सबवे के नीचे से रास्ता दिया हुआ है और ऊपर से रोड है, तो हमें नीचे से होकर जाना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट फोटोग्राफी दिखाई जाएगी जो कि सिनेमेटोग्राफी कहा जाता है इन्हें, और इन्हें काफ़ी अच्छा भी देखने को मिलता है। अगर जो आप इसे पास से देखते हो तो आपको एक अलग अलग टाइप की सिनेमेटोग्राफी दिखाई जाएगी जो कि अलग अलग देश की और अलग अलग जगह की है, जैसे चंडीगढ़ की भी यहाँ पर और हर जगह की यहाँ पर है। और ये है इसका बैक साइड जो कि यहाँ से दो रास्ते जाते हैं जो कि रोज़ गार्डन के लिए। तो ये इसका सबवे का ये पूरा लेंथी सा एरिया था जो कि मैंने आपको दिखाया। यहाँ से आप आ सकते हो और यहाँ पर आप साइकिलिंग भी कर सकते हो और यहाँ पर गाने भी गाए जाते हैं। तो यहाँ पर नाइट को काफ़ी अच्छा व्यू रहता है, अगर जो आप शाम को आते हो तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ से ऊपर जाता है हमारा रोज़ गार्डन का रास्ता जो कि ये रहा, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा रोज़ गार्डन है और ये काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हजारों में फ्लावर्स दिख जाएंगे अगर जो आप रोज़ गार्डन से प्यार करते हो। अगर जो आप रोज़ से प्यार करते हो तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहता है। और इस पूरे गार्डन के अंदर काफ़ी ढेर सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रोसेस देखने को मिल जाते हैं, और इस पार्क में काफ़ी सारे कपल्स भी आते हैं। इनफैक्ट आप मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको चंडीगढ़ का ये एरिया कैसा लगा। और यहाँ पर आपको काफ़ी देख सकते हो फूल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो पिंक कलर का है, बट अभी सीज़न नहीं है तो अभी इसमें फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। अगस्त से लेके जून तक में के महीने में इनमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो अभी सीज़न नहीं है क्योंकि ये देख सकते हो प्लांट पूरे एकदम ख़राब हो रहे हैं, तो अभी सीज़न नहीं है। बट अभी जो हरियाली वाला मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा औसम है। और यहाँ पर देख सकते हो आप, और यहाँ पर देख सकते हो एक गिलहरी भी होगी यहाँ पर, वो देखो वो रही गिलहरी, छोटी सी है और ये कितनी प्यारी है। और आपको अगर जो नेचर देखना है तो आप चंडीगढ़ में ज़रूर विजिट करना, आपको काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। ये तो एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने आपको दिखाया। अगर जो आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको चंडीगढ़ प्रॉपर दिखाऊंगा और वहाँ पर क्या क्या होता है। अगर जो आपने चंडीगढ़ को नहीं देखा और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग कहाँ से हो, तो आपको चंडीगढ़ एक बार ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ की नेचर ब्यूटी काफ़ी अच्छी लगेगी आपको, और यहाँ पर पोल्यूशन भी काफ़ी कम है, और ये चंडीगढ़ काफ़ी ज़्यादा टॉप पे आता है जो कि साफ़ सफाई के मामले में और हरियाली के मामले में भी काफ़ी नंबर 1 है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना और मुझे फॉलो